दोस्तों, अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि अभी आप अपने बेड के नीचे देखिए और बताइए कि आपके बेड के नीचे क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा गंदे जुर्राब, जूते, धूल मिट्टी और कुछ पुराने बॉक्सेस। ऐसे ही जवाब आप में से ज्यादातर लोगों के होंगे, लेकिन किसी का भी जवाब ये नहीं होगा कि मेरे बेड के नीचे खजाना छुपा है। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे खजानों के बारे में जिन्हें बड़ी ही अजीबोगरीब जगहों पर खोजा गया, और नंबर 5 के बारे में जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। तो मैं हूँ आपका दोस्त दक्ष और आप देख रहे हैं अमेजिंग टॉप 5 ट्रेजर इन टॉयलेट। दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि टॉयलेट को फिक्स करना एक डर्टी जॉब है, लेकिन लूसियानो फैगियानो और उनके बेटे जब टॉयलेट फिक्स कर रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर वो हैरान रह गए। लूसियानो टॉयलेट पाइप ढूंढने के लिए दीवार को खोद रहे थे और दीवार खोदते हुए उन्हें एक ऐसा रास्ता मिला जो काफी पुराना था, और उन्हें उस जगह पर एंशियंट समय की कई सारी चीजें मिली, जिसके बाद ऑफिशियल्स ने उनके घर में खोजबीन शुरू कर दी। और एक साल तक लगातार खुदाई और खोजबीन करने के बाद इस जगह एंशियंट टाइम की कई कलाकृतियां पाई गई। यहां ज्वेलरी, रोमन समय की बोतल और कई तरह की रोमन कलाकृतियां मिली, और ये कई हजार सालों से इस जगह पर दफन थी। इस जगह आर्कियोलॉजिस्ट को कई चैम्बर मिले जहां लोगों के रहने की सारी व्यवस्था थी, और यहां अलग अलग कामों के लिए अलग अलग चैम्बर बने हुए थे, जिसके बाद फैगियानो ने इस जगह को सरकारी मान्यता से म्यूजियम में बदल दिया। प्रिजन। दोस्तों, जेल में कुछ अच्छा मिलने की कोई सोच भी कैसे सकता है। यहाँ कैदियों को छोटे छोटे बिस्तरों पर सोना पड़ता है, नहाने को बहुत कम मिलता है और काम भी करना पड़ता है। लेकिन शायद इस कैदी की किस्मत अच्छी थी। जब इससे खेती का काम कराया जा रहा था तो इसे खुदाई करते समय 7000 चांदी के सिक्के मिले, जिन्हें 2 मटकों में बंद करके छुपाया गया था। ये 7046 ऑटोमन साम्राज्य के चांदी के सिक्के थे। आर्कियोलॉजिस्ट व्लादिमीर के मुताबिक इतने सिक्कों में कोई इंसान ऑटोमन समय में 3 किले खरीद सकता था, लेकिन अफसोस कि उस कैदी की किस्मत में एक भी सिक्का नहीं था। इनसाइड अ पियानो। दोस्तों, पियानो में सोने के सिक्के मिलना सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन ये हुआ है। ये पियानो बायसॉप कैसल्स कम्युनिटी को एक कॉलेज से डोनेशन में मिला था, लेकिन शायद वो ये पियानो कभी डोनेट नहीं करते अगर उन्हें पता होता कि इसके अंदर क्या छुपा है। पियानो को ठीक करते समय टेक्नीशियन मिस्टर बैकहाउस को पियानो में 7 कपड़े में बंधे हुए पैकेट मिले, जिनकी कीमत 5,00,000 यूरो थी। ये सभी सिक्के सोने के थे, और ये सिक्के विक्टोरिया एडवर्ड 7th और जॉर्ज 5th के समय के थे। इनमें से आधे सिक्के मिस्टर बैकहाउस को दिए गए और बाकी के सिक्के कॉलेज को वापस कर दिए गए। दोस्तों, इस घटना से हमें ये पता चलता है कि किस्मत से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। गोल्ड इन द टैंक। दोस्तों, निक मीट नाम के इस व्यक्ति का टैंक सैलून था, जो बैटलफील्ड टैंक को दोबारा बनाने और कॉरपोरेट इस्तेमाल के लिए खरीदा करते थे। उन्होंने ऐसा ही एक टैंक ईबे से $42,000 में खरीदा और इस टैंक को रिस्टोर करने लगे, तो उन्हें कुछ गोलियां मिली और एक फ्यूल कनस्तर भी। लेकिन जब उन्होंने दूसरा फ्यूल टैंक बाहर निकाला तो उन्हें उसके अंदर कुछ हिलने की आवाज आने लगी। उन्हें लगा कि इस कंटेनर में गन मौजूद है, लेकिन जब उन्होंने उसे खोला तो उन्हें फ्यूल टैंक में सोने की ईंटें मिली जो बहुत भारी थी और इनकी कीमत $5 बिलियन थी। पर्ल फाउंड इनसाइड बेड। दोस्तों, ये कहानी है एक मछुआरे की, जिसे ये बेसकीमती मोती फिलीपींस के पालवान द्वीप पर बाढ़ के समय 10 साल पहले मिला था। उसने 2 फुट लंबे इस मोती को सौभाग्य का प्रतीक मानकर अपने बेड के नीचे रख दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये मोती कितना बेसकीमती है। एक दिन मछुआरे के घर में आग लगी तो सब कुछ जलकर राख हो गया, लेकिन 34 किलो का ये मोती बचा रहा। इस मोती को मछुआरे ने अपने दोस्त और फिलीपींस पर्यटन विभाग के अधिकारी को दिखाया तो वो इस मोती को देखकर चौंक गए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मोती था, जिसकी कीमत $100 मिलियन यानी 710 करोड़ रुपए थी। दोस्तों, अभी आपके बेड के नीचे क्या है ये कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।